सो हाय गाइस, आप सभी को काजर ब्लॉग में स्वागत है। गाइस, आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। ये मेरा बाबू जो यहाँ पर सोया हुआ है और मैं अब जा रही हूँ कपड़ा धोने जा रही हूँ और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि ये लोग क्या कर रही है। ये देखिए गाइस, मैं सोनू और सुरेखा के लिए घर बनाई हूँ। ये देखिए, उसी में जो घास है, यहाँ लीची के पत्ता टांगा हुआ है और एक निकल गया है। सोनू जो है निकल गया है, यह देखिए, और सुरेखा इसी में फंस चुकी है, तो हम इसको भी निकाल देते हैं। चल अब देखिए, इसको भी निकाल दिए हैं, दोनों अपनी माँ के पास चले गए। गाइस ये देखिए, इतना सारा कपड़ा धोने के बाद भी। सो गाइस ये देखिए, सोनू और सुरेखा को कहाँ चोरी हुई है। देखिए बहुत, ये भी बदमाशी करता है बहुत, हमेशा छत पर ही रहता है, अभी यहाँ पर चोरी हुई है। सो गाइस, अब मैं जा रही हूँ सोनू के लिए घास काटने और मेरा बाबू जो है यहाँ पर खेल रहा है, और अब मैं जा रही हूँ सुरेखा के लिए घास काटने। सो चलिए, घास काट के और सोनू के खिला के और आ चुके हैं। आप जा रहे कपड़ा धोने, तो आप लोग के कपड़ा धो के, बर्तन धो के, नहा वहा के फिर आप लोग के वीडियो में बनाऊंगी। तो हाय गाइस, तो सभी काम उम करके मैं नहा वहा के रेडी हो चुकी हूँ और बाबू जो है बाहर गया है घूमने, तो अभी मैं जाती हूँ बकरी के लिए घास लाने दूध की पता कर। तो चलिए दिखाते हैं। और इधर बारिश, और इधर बारिश भी शुरू हो चुका है। तो यह देखिए गाइस, बारिश भी शुरू हो चुका है, तो अब मैं चलती हूँ सोनू और सुरेखा के लिए घास काटने, बांस के पत्ता थोड़ा सा जाते हुए काटने बकरी के लिए अपने ही पेड़ में से। इसी में से मैं बांस के पत्ता थोड़ा सा काटूंगी बकरी के लिए। चलिए काटते हैं। ये देखिए, बांस के पत्ता हम काट लिए हैं और थोड़ा सा घास भी ले लिए है, और चलते हैं घर पे। बाबू भी रो रहा होगा, आ गया होगा, तो चलिए घर पे अब चलते हैं। यहाँ देखिए ये टमाटर और इधर परवल। गाइस ये देखिए, सबको दे दिए हैं। और अगर आप सभी को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आपके पास पहुंचे।